जिन्हें हजारों फूल चाहिए एक बगिया बनाने के लिए, अनंतों बूंद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, हजारों ईंट चाहिए एक घर बनाने के लिए, मगर एक स्त्री चाहिए घर को एक स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। मैं कहती हूँ ये लड़कियाँ, ये हमारी बेटियाँ जहाँ जाएगी वहीं तो स्वर्ग होगा। आप कल्पना करो, अगर ये पढ़ाई नहीं पढ़ेगी और उसकी जगह दूसरी पढ़ाइयाँ पढ़ के वो लड़कियाँ क्या करेंगी। कई लोग कहते हैं कि स्त्रियाँ पाप कर्म से पैदा होती हैं। आप, मेरे को तो मेरी जिंदगी से लगता है कि लड़कियां महापुण्य का उदय लेके भी आती हैं। वो कैसे कि पुरुष तो सर्दी गर्मी बरसात सब सहते हैं, कितनी टेंशनों में रहते हैं। स्त्रियां सर्दी गर्मी बरसात से बचती है और अपने कल्याण के लिए बहुत टाइम उसको होता है अपना कल्याण करें। लेकिन आजकल तो लड़कियां भी सर्विस के लिए चले जाती हैं। तो जैन धर्म क्या सिखाता है? कांजी स्वामी कहते थे एक टाइम छाछला रोटी मिल जाए तो उसी में सब्र करना चाहिए। यदि पति कमाता है वो थोड़ा भी कमाता है तो सब्र से रहो, अपने परिवार को संभाल के रखो और खुद अपने कल्याण को करो। ये तो सोचो कि हम स्त्रियां बनी हैं तो स्त्री पर्याय छेदें। पांचवें गुण स्थान तक तो स्त्री और पुरुष सब बराबर ही है। वो मुनि बने तब अपन थोड़े नीचे हैं, पांचवें गुण स्थान तक तो सब बराबर ही है। तो स्त्री पर्याय छेद के इनकी भी नीचे देर अपनी छिद जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना स्त्री पर्याय छिदती नहीं। पुरुष को ही इनकी स्त्री पर्याय थोड़ी छिद गई बिना सम्यक दर्शन के। इसलिए सम्यक दर्शन का काम सबसे पहले करना चाहिए। छोड़ सकल जग दंद फंद निजातम जाओ। मैं तो यूथ कन्वेंशन के लिए भी ये बोल रही हूँ कि 3 दिन का आप यूथ कन्वेंशन करते हो, उसमें 3 दिन में ऐसी बात बता दो कि दोबारा जब ये यूथ कन्वेंशन हो तो वो खुद पंडित बन के आए सुनने वाला। ऐसी 3 दिन में इतनी पूरी की पूरी बात बता दो उनको। मुख्य बात बता दो कि आत्मा का कल्याण करे बिना तुम्हारा क्या होगा। एक एक समय कितना कीमती है इस धूल में। आज बताया ना आर्जव ने, वित्त रागी इस धूल में। कांजी स्वामी क्या कहते थे, धूल पति छे, धूल चाहे इतनी हो चाहे धूल इतनी हो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तेरा सुख तो तेरी आत्मा में है। तो 3 दिन में आत्मा के ऐसे गुणगान करके चित्र सहित आत्मा इस तरह से बताओ कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से न्यारा, मैं तो ध्रुव अखंडित आत्मा कैसा हूँ जो कि वज्र की दीवार में हूँ, और मेरा कभी कुछ बिगाड़ नहीं होता, और मैं कैसा कितना प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, कितना भी प्रूफ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा भगवान आत्मा हूँ। धवला में लिखा है इतने पुण्य के पुंज इकट्ठे होकर के उदय में आते हैं तब एक बार ये सुनता है कि तू भगवान आत्मा है। हमको हमारे भगवान आत्मा का महत्व नहीं आता। हमको जब हम छोटे थे तब हम छोटे थे मतलब एमए में पढ़ती थी मैं, तो जयपुर में किसी के यहाँ गई तो रात का टाइम हो गया था। तब हम रात को कुछ खाते नहीं थे। उन्होंने कहा क्या कुसुम तुम भी है ना जो रात को नहीं खाती हो, पढ़ी लिखी हो। हाँ पढ़े लिखे हैं इसीलिए ही, दबते क्यों, अच्छा भी काम करें और फिर उनसे दबे भी, शर्म भी खाएं। आप ये बोलो हाँ हम पढ़े लिखे हैं इसीलिए नहीं खाते। हमारे में हीन भावना आती है, कोई भी अच्छा काम करते हैं उसमें हमको हीन भावना आ जाती है कि नहीं नहीं कोई हमारी बेइज्जती करेगा। अरे अनंत अनंत अज्ञानी आपकी बुराई करें और एक ज्ञानी अगर आपकी तारीफ करे तो भारी कौन सा है। मैं कहती हूँ ये जो मेरी बेटियाँ हैं इतनी सारी, ये जो बेटियाँ हैं ये क्या काम करने वाली है। मेरे का नाम शाश्वत धाम, शाश्वत धाम की ट्रेन में बैठी है ये, शाश्वत धाम जाएंगी और जो इनके साथ बैठेगा वो शाश्वत धाम जाएगा। इनके साथ ऐसी लड़कियाँ कहाँ मिलती है। मेरी छोटी बहू डॉक्टर है, मैंने उनके पापा आए कि साहब मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरे लड़के को देखने आए। मैंने कहा हमें डॉक्टरी नहीं करानी,
तो उनके पापा बोले, अरे बढ़िया है बढ़िया है, मेरी बेटी सर्दी गर्मी बरसात से घर में सुरक्षित रहेगी। कह रहे ऐसे पापा कमी होते हैं क्योंकि लाखों रुपए लगते हैं डॉक्टरी पढ़ाने में। मैं तो ये कहती हूँ, मेरी बहू आज कहती है, मम्मी भगवान बनने का काम ऊंचा कैरियर है कि डॉक्टर बन के पैसा कमाने का कैरियर है? और बात तो ये है कि पैसा तो कर्माधीन है, आपके हाथ में है भी कहाँ कमाना। आपके पति कमाते हैं उसमें संतोष क्यों नहीं है, अपने बच्चों को अपने पति को? अरे आप चेलना जैसी पत्नी बनो, अगर आपके पति को कुछ नहीं आता आप धर्म सिखाओ। एक भी व्यक्ति को कोई धर्म सिखाता है तो गणधर जैसा काम करता है, ये जिनवाणी रोज कहती है। तो आप ऐसे, मैं तो सोचती हूँ 3 दिन में पूरी की पूरी ऐसी बात बता दो आप कि वो हमेशा आए और अपने गांव में भी लगवाए और खुद ही प्रवचन करने बैठ जाए। क्यों? और एक बात और बताती हूँ, जनता कॉलोनी जयपुर में संजीव जी ने एक विधान कराया था, तो मैं भी उसमें स्पीच देती थी। तो ऐसा था कि उसमें नव युवतियाँ आती थी, नई नई बहुएँ उस स्पीच में मेरी में, तो 60-70 बहुएँ आती थी। तो मैंने अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व वस्तुत्व ये सब बताए, वो बोल दी ऊपर से गया हमारे ऊपर से गया, स्टाइल चेंज करी। दूसरे दिन वही बातें हमने ये नाम न बोल करके समझा दी, आत्मा में क्या क्या गुण है, उससे क्या क्या होता है। बोले अब बात समझ में आई। तो जैसे 148 कर्म प्रकृतियां हैं, और भाई हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हमसे याद नहीं होती। तो आजकल तो स्टाइल इस तरह की हो गई कि आप उनको धर्म की मेन चीज जो प्रयोजनभूत बात है वो सिखा दो, वो सिखा दो, उसके बाद वो खुद अपने आप उसकी इच्छा होगी तो वो सीखे। बाकी वो अप्रयोजनभूत बात में अगर आप उलझा दोगे तो वो प्रयोजनभूत बात भी नहीं सुने, कि उसको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए कि सम्यक दर्शन कैसे होता है। मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी, सम्यक दर्शन होने की विधि जरूर बताओ, किससे होगा, और अर्जेंट ये काम करना है, समय नहीं है, बुद्धि बहुत कम है, इसलिए पूरा टाइम जो अनादि से हमने बहुत काम किए हैं वो नहीं करने, अब जो नहीं किया वो करना है। इसलिए सबसे पहले तुरंत जल्दी ही अपना काम करो। जय जिनेंद्र।